हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल द नॉलेज गेट में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एनर्जी पोर्टल यानी गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान एनर्जी पोर्टल पर आ गई है वैकेंसियां। किसकी वैकेंसी आई है? 1295 पोस्ट आई है, ऑल इंडिया जॉब है दोस्तों। असिस्टेंट की, स्टेनो की, अकाउंटेंट की और भी बहुत सी पोस्ट यहां पर आई हुई है। सारी जानकारी मैं आपको शुरू से लेकर के आखिर तक स्टेप बाय स्टेप देने वाला हूं। देखिए, यहां पर वेबसाइट खुली हुई है गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान एनर्जी पोर्टल की। इसी वेबसाइट पर आपको जाकर के ये जानकारी मिलेगी। जानकारी कैसे आपको देखनी है मैं आपको बता देता हूं। आपको इस वेबसाइट पर जाना है energy.rajasthan.gov.in पर। डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट लिंक है, वहां पर भी क्लिक करके आप यहां पर डायरेक्ट हो सकते हैं। उसके बाद में सीधा आपको इस वेबसाइट पर पहुंचना है energy.rajasthan.gov.in पर। यहां पर मेन्यू का सेक्शन है, मेन्यू पर जा करके डिपार्टमेंट्स में क्लिक करना है और RBUNL के टैब पर आपको क्लिक करना है। यहां पर क्लिक करके होम सेक्शन पर जाना है। जैसे ही आप होम सेक्शन पर जाएंगे आपके सामने ये पॉपअप खुलेगा। पॉपअप को कैंसिल करना है। यहां पर राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की वेबसाइट खुल करके आ चुकी है। देखिए, आपको यहां पर नीचे में आएगा रिक्रूटमेंट ऑफ 2021 इन स्टेट पावर कंपनीज ऑफ राजस्थान, अप्लाई ऑनलाइन। इसी पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप करेंगे यहां पर फिर से एक पॉपअप आएगा, क्लोज करना है। देखिए, यहां पर निकली हुई है डिटेल ऑफ एडवर्टीजमेंट, पोस्ट ऑफ असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर, जूनियर लीगल ऑफिसर, जूनियर अकाउंटेंट, स्टेनोग्राफर, जूनियर असिस्टेंट, कमर्शियल असिस्टेंट टू। इतनी वैकेंसी, इतने चीजों की वैकेंसी यानी कि इतने पोस्ट की वैकेंसी निकली हुई है। अप्लाई ऑनलाइन करना है 2 मार्च से, यानी कि आज ही की डेट से ऑनलाइन फॉर्म उसके अप्लाई हो गए हैं। फॉर्म कैसे भरना है शुरू से लेकर के आखिर तक मैं आपको बताऊंगा। कौन इसके लिए एलिजिबल है ये भी मैं आपको बताऊंगा। फॉर्म कैसे भरना है बताऊंगा, फीस कितनी है ये भी बताऊंगा। देखिए, अप्लाई लिंक यहां पर डायरेक्ट दे रखा है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहां पर देखिए एप्लीकेशन लिंक पर आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे। यहां पर ये पूरी वैकेंसी का आपके नोटिफिकेशन आ गया है। देखिए, यहां पर हेल्पलाइन भी दी हुई है। इस हेल्पलाइन पर अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। सबसे पहले मेरे वीडियो पर कमेंट करिएगा, मैं आपको बताऊंगा। अगर नहीं होता तो आप यहां पर भी कॉन्टैक्ट करके पता कर सकते हैं। देखिए, 10 बजे से 5 बजे तक आप यहां पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब यहां पर एडवर्टीजमेंट यहां पर निकला हुआ है, जूनियर लीगल ऑफिसर, जूनियर अकाउंटेंट, स्टेनोग्राफर, जूनियर असिस्टेंट। अब यहां शॉर्ट नोटिस दिया हुआ, शॉर्ट एडवर्टीजमेंट दिया, डिटेल एडवर्टीजमेंट दिया है और एप्लीकेशन फीस भी दी हुई। अप्लाई ऑनलाइन करने का लिंक भी यहां पर दिया हुआ। शॉर्ट एडवर्टीजमेंट मैं आपको दिखा देता हूं, बहुत जानकारी जरूरी चीज है। यहां पर देखिए इतनी कंपनियां हैं, RBPL, RBUNL, JVVNL, AVVNL, JDVVNL। अब यहां पर ये सारी कंपनियां कोई उत्पादन में है, कोई प्रसारण में है और कोई जनरेशन में है। जो लोग इस फील्ड से जुड़े हैं वो जानते हैं ये सारी चीजें कि उत्पादन प्रसारण अलग चीजें क्या है। अब देखिए, यहां पर टोटल 1295 पोस्ट है, जिसमें असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर की 11 पोस्ट है, जूनियर लीगल ऑफिसर की 13 पोस्ट है, जूनियर अकाउंटेंट की 313 पोस्ट है, स्टेनोग्राफर की 38 पोस्ट है और जूनियर असिस्टेंट कॉमर्शियल असिस्टेंट की 920 पोस्ट है। अब यहां पर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन कर देना है 2 मार्च से, यानी कि आज की डेट से ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है और 22 मार्च तक यानी कि 20 दिन तक ये खुला रहेगा। इसके बीच में आपको कर देना है एप्लीकेशन। ये शॉर्ट नोटिस था इसका। अब मैं बता देता हूं कि डिटेल एडवर्टीजमेंट का क्या है, कौन इसके लिए एलिजिबल है, जरूरी जानकारियां जो उससे बहुत ही अहम जानकारियां वो क्या है। देखिए, यहां पर RBPL, RBUNL, JVVNL, AVVNL, JDVVNL, यहां पर ट्रांसमिशन, जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्ट्रीब्यूशन, 2 कंपनियां ट्रांसमिशन जनरेशन की है और 3 डिस्ट्रीब्यूशन की है। इंटायर एरिया ऑफ राजस्थान ये कवर करती हैं। देखिए, असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर, जूनियर लीगल ऑफिसर, जूनियर अकाउंटेंट, स्टेनोग्राफर, सभी लोगों के लिए इनमें निकली हुई है वैकेंसियां। पोस्ट कितनी है मैंने आपको बता दिया, लेकिन यहां पर कैटेगरी वाइज पोस्ट की भी डिटेल दी हुई है, आप इसको जा करके देख सकते हैं। वैसे मैंने आपको बता दिया है, आप ज्यादा जानकारी के लिए इसको चेक कर सकते हैं। एक इसमें अच्छी चीज दी हुई है कि जो भी फिजिकल डिसेबल्ड कैंडिडेट है यानी कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज है उसके यहाँ भी, उसके लिए यहाँ पर भी अच्छी पोस्ट का अच्छा रिजर्वेशन दिया हुआ है। अब मैं बता दूं आपकी सैलरी इसमें कितनी होगी। पहले तो 2 साल का इसमें प्रोबेशन पीरियड होगा, 2 साल प्रोबेशन ट्रेनी रहेंगे आप, 2 साल के बीच में आपको रिमुनरेशन मिलेगा यानी कि स्टाइपेंड मिलेगा। कितना मिलेगा? असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर के लिए 26,500, जूनियर लीगल ऑफिसर के लिए 23,700, जूनियर अकाउंटेंट के लिए 23,700, स्टेनोग्राफर के लिए भी 23,700, जूनियर असिस्टेंट के लिए 14,600। ये आपका 2 साल तक आपको मिलेगा। उसके बाद में आपका बेसिक जो पे होगा यहां पर आपको देखने को मिलेगा 37,800, 33,800 और 20,800। 3 तरह के लेवल यहां पर है, लेवल 11, लेवल 10 और लेवल 5। तीनों पोस्ट के लिए अलग अलग है। ये आपका बेसिक पे है, टोटल सैलरी नहीं है दोस्तों। बेसिक पे से टोटल सैलरी बिल्कुल अलग होती है। बेसिक पे से लगभग 1.8 टाइम्स होती है बेसिक पे से सैलरी। तो यहां पर नेम ऑफ पोस्ट में बता दूं। अब एजुकेशन
एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की मैं बात कर लूँ, देखिए मैं मोटी मोटी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको बता दे रहा हूँ क्योंकि इसमें बहुत से लोगों को यहाँ पर एलिजिबल किया गया है, बहुत सी चीज़ों को, बहुत से जो भी डिग्रीज हैं सबको यहाँ पर एलिजिबल किया गया है, लेकिन जो बेस मेन डिग्रीज हैं उसकी जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए पहले लिखा हुआ है असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर, असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर के लिए बोला है मास्टर डिग्री इन MBA, बोला है कि मास्टर डिग्री आपको चाहिए। अब और इसकी एलिजिबिलिटी क्या है उसके लिए भी बोल रहा है कि पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा हो, लेबर लॉ में हो, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई है। तो मोटा मोटा देखा जाए तो आपके पास ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए, MBA से पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए। अब जूनियर लीगल ऑफिसर के लिए मैं बता देता हूँ लॉ के साथ आप ग्रेजुएट होना चाहिए, वो भी एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। जूनियर अकाउंटेंट के लिए मैं बता देता हूँ ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए कॉमर्स में या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, ओ लेवल या हायर लेवल का सर्टिफिकेट कोर्स भी आपके पास होना चाहिए। यहाँ पर देखिए सारी चीज़ें दी हुई है, शुरू से लेकर के आखिरी तक सारी चीज़ें दी हुई हैं, लेकिन मोटा मोटा सार संक्षेप इसका यही है कि ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए कॉमर्स में या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में और ओ लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। आप इसको जाकर के डिटेल एडवर्टीजमेंट यहाँ से चेक भी कर सकते हैं वेदर यू आर एलिजिबल और नॉट। स्टेनोग्राफर के लिए आपका यहाँ पर दिया हुआ है ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए, ओ लेवल या हायर लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए, RSCIT डिप्लोमा होना चाहिए, डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस या फिर डिग्री या डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए। कई चीज़ें यहाँ पर दी हुई है, सारी यहाँ पर जानकारी है। आप अगर इसके अलावा कुछ है, वैसे तो जो मेन जानकारी उसकी यही है कि ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए और ओ लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में या फिर डिप्लोमा कंप्यूटर डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस में। तो ये इसका मोटा मोटा है, जो अलग से लोगों ने कुछ किया है वो जाकर के यहाँ पर चेक कर सकते हैं। जूनियर असिस्टेंट के लिए मैं बता देता हूँ 10+2 होना चाहिए, ओ लेवल का या उससे हायर लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए, डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस होना चाहिए या फिर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस होना चाहिए। ये तो हो गया आपका क्या क्या एलिजिबिलिटी थी। दूसरी चीज़ क्या है कि कैंडिडेट को राजस्थानी जो कल्चर है उसकी जानकारी होना चाहिए, देवनागरी की यानी कि हिंदी की अच्छी आपको जानकारी होनी चाहिए और राजस्थानी कल्चर की भी जानकारी होनी चाहिए। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है एक बहुत ही अच्छी चीज़, यहाँ पर दिया हुआ है बोल रहा है कि अगर आपने शादी की है, शादी के टाइम डाउरी ली है तो आप बिल्कुल इसमें एलिजिबल नहीं है, आप यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। डाउरी जिन्होंने ली है वो यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते, या मान लीजिए आगे भी करेंगे तो डाउरी नहीं लेना है। अब यहाँ पर एक से ज़्यादा अप्लीकेशन फॉर्म आपको नहीं भरने हैं और यहाँ पर स्पाउस वन से ज़्यादा लिविंग अगर स्पाउस है तो भी आप अप्लाई नहीं कर सकते, यानी कि एक गुड कैरेक्टर आपके पास होना चाहिए तभी इसमें अप्लाई कर सकते। फिजिकली फिट होने चाहिए सारे तरीके से, आप फिजिकली टेस्ट आपका होगा, फिजिकली फिट होने चाहिए, एज आपकी 18 से 40 साल की दी हुई है, यहाँ पर अपर एज कट लिमिट यहाँ पर भी लिखी हुई है। देखिए 42 ईयर्स अपर एज कट लिमिट है, लेकिन यहाँ पर अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन मिलेगा गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग, जो भी SC ST OBC को रिलैक्सेशन मिलता आया है वो चीज़ यहाँ पर मिलेगा जो भी गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग है। यहाँ पर देखिए रिजर्वेशन भी अच्छा खासा दिया हुआ है, SC ST OBC जो भी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन या भी जो भी लोग हैं उनके लिए यहाँ पर रिजर्वेशन दिया हुआ है, एक्स सर्विस मैन के लिए भी यहाँ पर रिजर्वेशन है। अभी मैं बता देता हूँ आपको जो मेन जानकारी है इसके, देखिए जो लोग यहाँ पर फिजिकली हैंडीकैप यानी फिजिकली डिसेबल्ड है उनके लिए भी कैटेगरी वाइज यहाँ पर सारी चीज़ें दी हुई हैं, आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और इसमें जाकर के वैकेंसी को यानी कि जॉब को पा सकते हैं। 2 मार्च से 22 मार्च तक आपका फॉर्म ही अप्लाई होगा। देखिए प्रोसीजर कैसा है, अप्लाई ऑनलाइन आपको करना है, पूरा प्रोसीजर शुरू से लेकर के आखिरी तक मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से फॉर्म अप्लाई करना है। तो यहाँ पर क्या है कि पहले आपको अप्लाई करने के पहले आपको ये ध्यान रखना है कि एक से ज़्यादा एप्लीकेशन आपको सबमिट नहीं करने हैं, मल्टीपल एप्लीकेशन अगर हम सबमिट करेंगे तो सब रिजेक्ट हो जाएंगे, कोई भी एक्सेप्ट नहीं होगा। फोटोग्राफ आपको स्कैन कॉपी रखना है, सिग्नेचर स्कैन कॉपी रखना है, लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन भी आपको स्कैन कॉपी रखना है, व्हाइट पेपर पर ब्लैक इंक से, सिग्नेचर भी व्हाइट पेपर पर ब्लैक इंक से होना चाहिए। हैंड रिटन डिक्लेरेशन यहां पर दिया हुआ है, इस हैंड रिटन डिक्लेरेशन को अपने हाथ से लिखना है, अपना नाम लिखना है और इस पे रिटन लिखने के बाद आपको सिग्नेचर करके अपलोड करना है। सारे स्कैन डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, कैपिटल लेटर्स में सिग्नेचर नहीं चलेंगे, लेफ्ट हैंड का इंप्रेशन एकदम प्रॉपरली स्कैन होना चाहिए, आपका फैला हुआ नहीं होना चाहिए, सारे फिंगरप्रिंट्स उसमें सही से दिखने चाहिए। ऑनलाइन सबमिट करने के लिए एप्लीकेशन यहाँ पर पूरा प्रोसीजर दिया हुआ, उससे पहले मैं बता दूं कि फीस इसकी कितनी है, जो अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए है यहाँ पर 1600 रुपये फीस है और यहाँ पर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए SC ST OBC के लिए यहाँ पर 1400 रुपये फीस है। पेमेंट आप 2 मार्च से 22 मार्च के बीच में कर सकते हैं, पेमेंट आपको ऑनलाइन करनी है, रुपे वीजा मास्टर कार्ड मेस्ट्रो कार्ड इंटरनेट बैंकिंग IMPS से आप यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। फॉर्म अप्लाई कैसे कर रहे हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ, पहले बता देता हूँ कि फॉर्म का कहाँ कहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ कहाँ पड़ेगा, तो इसी में आप जब नीचे आएंगे तो आपको एग्जामिनेशन सेंटर आपको मिल जाएगा कि कौन सा एग्जामिनेशन सेंटर है। देखिए यहाँ पर राजस्थान में अबू रोड, अजमेर, अलवर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, ये सारे यहाँ पर
आपके सामने दिए हुए हैं। तो यहाँ पर आप देखिए इतनी जगह दिल्ली NCR में है, राजस्थान, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, सही का सभी जगह यहाँ पर इसके एप्लीकेशन सेंटर दिए हुए हैं। अगर मैं बात कर लूँ सिलेबस की, सिलेबस जो सबसे जरूरी चीज़ होती है किसी एग्जामिनेशन को देने के लिए, वो भी मैं आपको इसमें बता देता हूँ। उससे पहले मैं बता देता हूँ कि जो एग्जामिनेशन होगा वो जो एग्जामिनेशन पार्ट होगा वो दो पार्ट में होगा, यानी कि एग्जामिनेशन में दो पार्ट होंगे। 60% जो होगा आपका डिसिप्लिन से होगा और 40% आपका यहाँ पर रीजनिंग, मैथमेटिक्स, जनरल नॉलेज यानी कि जनरल एप्टीट्यूड से होगा, और 60% जो आपका डिसिप्लिन है यानी कि जिससे आप भर रहे हैं। चारों पोस्ट के लिए, पांचों पोस्ट के लिए अलग अलग है ये चीज डिसिप्लिन, और जो 40% मार्क्स होंगे वो आपके रीजनिंग, मैथमेटिक्स, जनरल नॉलेज, हिंदी, जनरल इंग्लिश, इसके लिए होगा। आपका जो जो डिसिप्लिन के आपके जो सिलेबस है वो तो आपका डिफाइन है, लेकिन जो रीजनिंग का और इसका जनरल एप्टीट्यूड का सिलेबस है वो यहाँ पर दिया हुआ है। रीजनिंग मेंटल एबिलिटी का, मैथमेटिक्स का दिया हुआ है, 10th लेवल की मैथमेटिक्स आएगी, जनरल नॉलेज आएगी, एवरी डे की साइंस आएगी, हिंदी, जनरल हिंदी आएगी, जनरल इंग्लिश आएगी, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आने वाली है। जो भी एग्जामिनेशन है सारे में यही चीज़ कॉमन है। अब स्टेनोग्राफर के लिए भी यहाँ पर दिया हुआ है रीजनिंग मेंटल एबिलिटी, मैथमेटिक्स, जनरल नॉलेज, जनरल इंग्लिश, ये सारी चीज़ें शुरू से लेकर के आखिरी तक दी हुई। आप इसका सिलेबस जा करके चेक कर सकते हैं और इसके अकॉर्डिंग आप तैयारी भी कर सकते हैं। पेपर कितने देर का होगा ये भी मैं बता देता हूँ। इंग्लिश शॉर्ट हैंड टेस्ट यहाँ पर होगा, 10 मिनट के ड्यूरेशन का होगा, 100 मार्क्स होंगे, और आपका यहाँ पर टाइपिंग भी होगा, टाइपिंग टेस्ट होगा, 60 मिनट का होगा, यहाँ पर इसके भी 100 मार्क्स होंगे, दोनों मिलाकर के क्यूमुलेटिव आपके 100 मार्क्स होंगे। हिंदी शॉर्ट हैंड टेस्ट भी होगा, 10 मिनट का होगा, और ट्रांसक्रिप्ट एंड टाइपिंग भी होगी, वो 70 मिनट की होगी, तो इसके भी दोनों क्यूमुलेटिव मिलाकर के 100 मार्क्स के होंगे। ये सभी पोस्ट के लिए अलग अलग है, आपको जाकर के यहाँ पर चेक कर लेना। देखिए स्पीड टेस्ट 10 मिनट 25 मार्क्स का है, किसके लिए ये दिया हुआ है, आपका जूनियर असिस्टेंट, कमर्शियल असिस्टेंट के लिए। पूरा आपको सिलेबस आपको पता चल जाएगा और इस एडवर्टीजमेंट को शुरू से लेकर के आखिरी तक ध्यान से पढ़ लेना है। कोई भी अगर जानकारी आपको नहीं समझ में आती या फिर कुछ आपको कंफ्यूजन लगता है तो आप मेरे वीडियो पे कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं, सारी जानकारी मैं आपको शुरू से लेकर के आखिरी तक दूंगा। देखिए हेल्पलाइन नंबर भी यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, लेकिन 22 मार्च के पहले पहले आपको यहाँ पर अप्लाई कर देना है। वीडियो कैसा लगा है वीडियो पे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। इससे रिलेटेड कोई अगर जानकारी आपको नहीं समझ में आ रही है तो मेरे वीडियो पे कमेंट करिए। अगर आप इस फॉर्म की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसका मैं सिलेबस से लेकर के फॉर्म और सारी जानकारी भी इस चैनल पर अपलोड करने वाला हूँ। तो कमेंट करिए वीडियो पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन का बटन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए।